मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम सना परवीन फ्रॉम अ टीचर ऑफ मरियम हायर सेकेंडरी स्कूल मंडावर रोड किरतपुर बिजनौर। आई वेलकम यू ऑल टू इन ऑनलाइन क्लासेस। आई होप यू ऑलवेज सेफ एंड एंजॉय द क्लास। सो लेट स्टार्ट। एज यू कैन सी दिस बुक एनवायरमेंटल स्टडीज स्टैंडर्ड 5th। सो लेट स्टार्ट। टूडे आई विल टीच यू चैप्टर नंबर 2nd, interdependence in nature. So let us start. We have come to know that we depend not only on living things but also on non-living things for our existence. All living things need food to grow, to get energy and to stay healthy. Means हम सभी जानते हैं कि हमें केवल जानदारी वस्तुओं की ही आवश्यकता नहीं होती, बल्कि हम बेजानदारी वस्तुओं पर भी निर्भर करते हैं। सभी जानदारी वस्तुओं को भोजन की आवश्यकता होती है। भोजन से हमें शक्ति मिलती है और हम भोजन के द्वारा ही स्वस्थ रहते हैं। इकोसिस्टम पारिस्थितिक तंत्र को कहते हैं। द लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स अराउंड अस फॉर्म एन इकोसिस्टम। ऑल द पार्ट्स ऑफ इकोसिस्टम आर डिपेंड अपॉन ईच अदर। द ऑर्गेनाइजम लाइक प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रोवेव्स दैट मेक अप द लिविंग पार्ट ऑफ एन इकोसिस्टम आर कॉल्ड बायोटिक कॉम्पोनेंट्स। नॉन लिविंग थिंग्स सच एज सॉइल, वाटर, टेम्परेचर एंड सनलाइट फाउंड इन एन इकोसिस्टम आर कॉल्ड एबायोटिक कॉम्पोनेंट्स। मीन्स पारिस्थितिक तंत्र, हमारे चारों ओर जानदारी और बेजानदारी वस्तुएं होती है, सभी एक दूसरे पर निर्भर करती है। जानदारी वस्तुएं जैसे पौधे और जानवर जैविक घटक कहलाते हैं। बेजानदारी वस्तुएं जैसे मिट्टी, पानी, तापमान और सूर्य का प्रकाश आदि अजैविक घटक कहलाते हैं। एन एनिमल डिपेंड ऑन बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स फॉर फूड, शेल्टर्स, प्रोटेक्शन एंड रिप्रोडक्शन। देयर इज ए कॉन्टिन्यूअस इंटरेक्शन बिटवीन प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनाइज्म विद देयर एनवायरमेंट। सभी जानवर जैविक और अजैविक घटक पर निर्भर करते हैं, खाने के लिए, सुरक्षा के लिए, रहने के लिए और अपनी प्रजनन क्रिया के लिए। डिपेंडेंस ऑन एबायोटिक फैक्टर्स अजैविक घटकों पर कैसे निर्भर करते हैं। नंबर एक है एयर। एयर हवा को कहते हैं। प्लांट्स एंड एनिमल्स इनहेल ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर। ऑक्सीजन इज नीडेड टू रिलीज एनर्जी फ्रॉम फूड बाय द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। ड्यूरिंग रेस्पिरेशन प्लांट्स एंड एनिमल्स ब्रीथ इन ऑक्सीजन एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट्स यूज कार्बन डाइऑक्साइड टू प्रिपेयर फूड एंड रियलाइज ऑक्सीजन। मीन्स सभी जानवरों को हवा की आवश्यकता होती है। सभी पौधे और जानवर ऑक्सीजन के द्वारा सांस लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस सांस लेने पर छोड़ते हैं। प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता लेकर पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। वाटर सेकेंड है। वाटर और प्लांट्स एंड एनिमल्स नीड वाटर टू स्टे अलाइव। प्लांट्स एब्जॉर्ब मिनरल्स डिसॉल्व्ड इन द वाटर थ्रू देयर रूट्स। वाटर इज आल्सो नीडेड फॉर सीड डिस्पर्सल एंड फोटोसिंथेसिस। एनिमल नीड वाटर टू ड्रिंकिंग, डाइजेशन ऑफ फूड, एक्सक्रेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट, कैरिकुलेशन ऑफ ब्लड एक्सेट्रा। सो इन द एब्सेंस ऑफ वाटर एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ इज इम्पॉसिबल। मीन्स सभी जानवर और पौधों को जीने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। पौधे अपनी जड़ों में पानी को समा लेते हैं। जानवरों को पीने के लिए पानी, खाना पचाने के लिए और खून का संचार करने के लिए भी पानी की आवश्यकता होती है। पानी के बिना जीवन संभव नहीं होता। थर्ड है सॉइल। मिट्टी को कहते हैं। सॉइल प्रोवाइड सपोर्ट टू प्लांट्स, दे ऑब्टेन वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। सॉइल प्रोवाइड शेल्टर एंड फूड टू एनिमल्स लाइक एंट, अर्थवर्म्स एक्सेट्रा, रैबिट एंड मोस डिग देयर बोरोज इन द सॉइल। मिट्टी पौधों को सहारा देती है। मिट्टी में ही कुछ जानवर निवास करते हैं, जैसे चींटी, केचुआ आदि। खरगोश भी मिट्टी में ही अपनी सुरंग बनाकर रहता है।
सनलाइट सूर्य का प्रकाश। द सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। प्लांट्स यूज सोलर एनर्जी टू मेक फूड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। सीड नीड द वार्म ऑफ द सन फॉर जर्मिनेशन। इज प्रोवाइड वार्म्थ एंड लाइट टू एनिमल्स। सूर्य का प्रकाश सूर्य एनर्जी का सबसे अच्छा साधन माना जाता है। सूर्य की रोशनी से ही पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और यही क्रिया प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहलाती है। सूर्य ही सभी को गर्मी और प्रकाश भी देता है। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। थैंक यू।